नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। एआईसीसी ने की नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा, सोनिया राहुल प्रियंका समेत 39 नामों की सूची जारी, मनमोहन और थरूर भी बने सदस्य। नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा, राजस्थान से सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, महेंद्रजीत मालवी बने सीडब्ल्यूसी के सदस्य, मोहन प्रकाश और हरीश चौधरी को भी दी गई जगह। लद्दाख दौरे के दौरान राहुल गांधी का बड़ा बयान, भारत की सीमा में घुसी चीन की सेना, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर। सूचना और संचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज, सोनिया गांधी ने वीरभूमि जाकर अर्पित की श्रद्धांजलि, पैंगोंग झील पर राहुल गांधी ने अर्पित की पुष्पांजलि। सद्भावना दिवस पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम, सीएम गहलोत, डोटासरा समेत कई नेताओं ने राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि, मुख्यमंत्री ने कहा राजीव गांधी ने लिए क्रांतिकारी फैसले। मध्य प्रदेश में चुनावी परीक्षा से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पेश किया शिवराज का रिपोर्ट कार्ड, बंटाधार की सरकार हटाई, खत्म किया बीमारू टैग। हनुमानगढ़ के नोहर में भीषण सड़क हादसा, भादरा मार्ग पर पिकअप और कार में हुई जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत। लद्दाख में सेना के नौजवानों की मौत, ट्रक 60 फीट गहरी खाई में गिरा, 5 गाड़ियों में 34 जवान निकले थे लेह से। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जारी किया सभी जिला और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों के नाम सर्कुलर, 21 से 23 अगस्त के बीच सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में होगी बैठक, विधानसभा बार कम से कम 3 और अधिकतम 5 आवेदकों का पैनल किया जाएगा तैयार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर, सिरमौर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, पीड़ितों से भी की मुलाकात, बोले केंद्र करेगा हर संभव सहायता। रूस के मिशन मून को बड़ा झटका, चंद्रमा पर लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ लूना 25, चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरना था लूना 25 को। चंद्रयान 3 अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर, ऑपरेशन डिबूस्टिंग ऑपरेशन हुआ पूरा, 23 अगस्त की शाम को चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3। उदयपुर में सफाई कार्य करते समय नीचे गिरा श्रमिक, करीब 5 मिनट तक बिजली के तारों पर झूलता रहा, गंभीर स्थिति में करवाया अस्पताल में एडमिट। जयपुर में निकली बूढ़ी तीज की सवारी, देशी विदेशी पर्यटकों ने तीज माता के किए दर्शन, लोक कलाकारों ने बिखेरी कला और संस्कृति की झलक, सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। अलवर के तिजारा में मोबाइल लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने मोबाइल और डॉक्यूमेंट्स भी किए बरामद, साथ ही पुलिस आरोपियों से जुटी पूछताछ। डीडवाना कुचामन के मकराना में चोरों ने 3 घरों से 8 लाख रुपए की नकदी सहित लाखों के सोने चांदी के आभूषणों पर किया हाथ साफ, मकान मालिक को मिली वारदात की सूचना से परिजनों में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर जगह जगह दबिश दी और साथ ही मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर बीकानेर में कई जगह सद्भावना दिवस कार्यक्रम का आयोजन, पंचशती सर्किल पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, इस दौरान शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत, देहात अध्यक्ष विष्णुराम सियाग सहित कांग्रेस के समस्त नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को माल्यार्पण कर की श्रद्धांजलि अर्पित। बांसवाड़ा के घाटोल में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सभा का आयोजन किया, कार्यक्रम की अध्यक्षता देवदास ठाकुर और कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने की, इस दौरान अतिथियों ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जयपुर के महेश नगर में पार्क में घूम रहे परिवार पर हमला, शराबी युवकों ने किया बच्चों को परेशान, विरोध करने पर मारपीट, मामला दर्ज। प्रतापगढ़ के घोटारसी से निकली भव्य कांवड़ कलश यात्रा, 11 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई, कांवड़ियों ने भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए महादेव का पवित्र नदियों के जल से किया अभिषेक, आयोजन के दौरान किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह कांवड़ियों का किया गया पुष्प वर्षा के जरिए स्वागत। अजमेर के पिसांगन पंचायत समिति सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत डोरस्टेप काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 9 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया, इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने चेक से छोटे छोटे प्रकरणों के बारे में विस्तार से प्रकाश डालते हुए ऐसे प्रकरण आपसी समझाइश से निपटाने की बात कही। ब्यावर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत एसटी कॉलेज में बहादुर सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, वीरांगनाओं, शहीद परिवारों, बहादुर सैनिक और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया, इस दौरान विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित होने वाले बहादुर कमांडो सद्दाम काठात का महाविद्यालय परिवार ने माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। करौली के टोडाभी में ग्रामीणों ने ठाकुर जी के मंदिर पर कीर्तन का आयोजन किया, हरि कीर्तन मंडली ने कीर्तन की शुरुआत की, इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे।
चुरू के सादुलपुर में हो रहे बीबीसी चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया। मतदान शुरू होने के साथ ही बूथों पर मतदाताओं की लाइन लग गई। उपचुनाव में कांग्रेस, भाजपा और बसपा तीनों पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में उतरे, तो वहीं पार्टी के नेता और प्रत्याशियों को जिताने के लिए बूथों पर डेरा डाले रहे। इस दौरान कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया बूथों पर कार्यकर्ताओं से जानकारी लेती नजर आए। अलवर के भिवाड़ी में डीएटी प्रभारी दारा सिंह ने कार्रवाई करते हुए दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। झालावाड़ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती, वसुंधरा कॉलोनी में संगोष्ठी कर फल फ्रूट वितरित किए गए, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन ने राजीव गांधी की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता रहे, संचार क्रांति के जनक रहे ये भी कहा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अजमेर के वार्ड नंबर 54 के पिपलेश्वर महादेव मंदिर इंदिरानगर मदार में सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन समस्त भक्तजनों की ओर से किया गया। भक्तजन पुष्कर से कांवड़ लेकर पहुंचे, जिनका स्वागत हुआ। मंदिर अखाड़ा महादेव की झांकियों के साथ शोभा यात्रा में भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पूरे दिन जलधारा और शाम में भंडारे का आयोजन किया गया। पिसांगन में गणगौरी चौक स्थित कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। सद्भावना दिवस के रूप में जयंती मनाते हुए कांग्रेसियों ने राजीव गांधी की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष चौहान ने उनके बताए सिद्धांतों पर चलने की बात कही। सवाईमाधोपुर के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 में पार्षद के उपचुनावों को लेकर मतदान हुआ। हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 3 स्थित सरकारी विद्यालय में बनाए गए पोलिंग बूथ पर मतदाताओं ने उत्साह के साथ वोट डाले। डेगाना शहर के मुख्य बाजार में चोरी की वारदात, चोरों ने लाखों रुपए की नकदी दुकान से पार की। चोरी की घटना से स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश, व्यापार मंडल के आह्वान पर संपूर्ण बाजार बंद, चोरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे सभी लोग। रियाबजी ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाए गए। कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। बारा के किशनगंज क्षेत्र के रेलावन मुख्यालय पर नवसृजित उप तहसील का उद्घाटन जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक निर्मला सहरिया ने की। इस दौरान उर्मिला जैन ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर आमजन को राहत प्रदान की। कोटा के अठावरा क्षेत्र के विद्यार्थियों को दक्षिण नगर निगम उप महापौर पवन मीना ने खेल सामग्री वितरित की। कैथुदा, बागली, जटवाड़ी, जटवाड़ा में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रिकेट, टेनिस बॉल, कैरम बोर्ड, शतरंज आदि खेलों की सामग्री वितरित की। साथ ही कहा कि खेल से विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होता है। किशनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलदा रुंडी में हुई जघन्य हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 28 अगस्त को फरियादी ने सरकारी अस्पताल में तहरीर दी थी। 28 जुलाई को फरियादी ने सरकारी अस्पताल में तहरीर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर धर्म सिंह गुर्जर और विष्णु गुर्जर को दबिश देकर दबोचा गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को राजसमंद जिला कांग्रेस कमेटी ने कांकरोली मुख्य चौपाटी पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरि सिंह राठौड़ ने की। प्रदेश स्तर पर गुड टच और बैड टच को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ पहुंची प्रदेश स्तरीय टीम ने इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला में जिले के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें शिक्षकों को बताया कि बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए और कैसे बताया जाए कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। बांसवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 33 में उपचुनावों के लिए मतदान हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों के उत्साह के साथ वोट डाले गए। पार्षद समीर अहमद सिंधी के निधन से सीट हुई थी खाली। प्रतापगढ़ के बारावर्दा गांव में दिनदहाड़े दुकानदार से ठगी का मामला सामने आया। करीब 20,000 रुपए का सामान व्यापारी की आंखों के सामने ठग लेकर गायब हो गए। इस संबंध में व्यापारी की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। प्रतापगढ़ के चौकन्ना बालाजी मंदिर में 9 दिवसीय रामकथा महोत्सव का समापन हुआ। इस दौरान महिलाओं ने भक्ति धुनों पर नृत्य किया, तो वहीं समापन कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने पोथी पूजन भी किया। डूंगरपुर जिले में कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर सद्भावना पदयात्रा निकाली गई, जिसके माध्यम से आमजन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। गंगापुर सिटी में हरियाली तीज के अवसर पर तीज माता की सवारी निकाली गई। तीज माता की सवारी बद्रीनाथ मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होकर निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकली तीज माता की सवारी का जगह जगह स्वागत किया गया। धौलपुर की बसेड़ी पंचायत समिति के रुंदकापुरा गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने ही रिश्तेदार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों को शिकायत देकर धोखाधड़ी कर रहे गए पैसे वापस दिलाने की मांग की। पति की मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि को हड़पने का आरोप लगाया। महवा में खाटू सखा सेवा समिति की ओर से खाटू श्याम जी के लिए यात्रा रवाना हुई, जिसे श्याम प्रेमी संतोष शर्मा ने झंडी दिखाकर बस स्टैंड से रवाना किया। इस दौरान यात्री झंडा पूजन कर खाटू नरेश के जयकारे लगाते हुए निकले।
फतेहपुर विधानसभा के टीटी ग्राम पंचायत में पंचायत समिति सदस्यों के लिए उपचुनाव में लोगों ने उत्साह के साथ वोटिंग की। 5,300 मतदाताओं ने पंचायत समिति सदस्य चुनने के लिए मताधिकार का प्रयोग किया। भारी संख्या में पुलिस बल सौरान तैनात है। शेखावाटी में तीज के त्यौहार के परंपरागत उत्सव के साथ उत्साह भी लोगों का नजर आया। महिलाओं ने श्रृंगार कर बाग बगीचों में और मोहल्ले में झूला झूला। भिंडा उद्यान में लोक सेवा ज्ञान मंदिर की महिलाओं ने तीज उत्सव मनाया और प्रसाद वितरण किया। चुरू के सरदार शहर से बदल कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। कांग्रेस के जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। कहा, राजीव गांधी को आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है। कंप्यूटर क्रांति भी उन्हीं की देन है। बियासर भगवानगर के किसानों के द्वारा आउ जीएसएस पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बिजली लाइन में फॉल्ट और कम वोल्टेज से किसान परेशान है। एएन को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की गई। फलौदी जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोस्ट वांटेड और 1,00,000 रुपए के नामी बदमाश 0029 गैंग के सरगना विश्वराम जांगू को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर लोहावट के पास आरोपी को दबोचा गया। इस दौरान भागने के फेर में विश्वराम के दोनों पैरों में चोटें आई, जिसके चलते अस्पताल में एडमिट करवाया गया। जैसलमेर के भणियाड़ा में दलित महिला एएनएम के साथ जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया। फलसुंड थाने में डॉक्टर सहित अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। एएनएम को लुटेरी दुल्हन बताकर मानसिक और जातिगत भेदभाव का आरोप है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर डाक बंगले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धा के साथ उन्हें याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि हमें स्वर्गीय राजीव गांधी के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी देश प्रगति कर सकता है। ब्यावर के छावनी क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में हैंडपंप खोदने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। सौरान एक मारपीट में महिला जख्मी हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों के बीच समझाइश के बाद मामला शांत करवाया गया। डीडवाला के राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय में नर्सेज ने प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के आह्वान पर 2 घंटे किया कार्य बहिष्कार। संघर्ष समिति अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में कर रहा है आंदोलन। वेतन भत्तों की विसंगति, नर्सेज सवर्ग कैडर का पुनर्गठन, संविदा नर्सेज को नियमित करने की मांग, साथ ही एनएम का पदनाम परिवर्तित कर नर्सिंग निदेशालय की स्थापना करने की जा रही मांग। डीडवाला जिला मुख्यालय पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत को कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें विद्यालय विजय ढुकिया गोदारास को जिला शाखा का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। निर्वाचन अधिकारी रामरतन गोदारा की देखरेख में हुए जिले के निर्वाचन कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। भवानी मंडी में तेज उमस के बाद अचानक से मौसम का मिजाज बदला। झमाझम बारिश में किसानों के चेहरे खिले नजर आए, लेकिन खरीफ की फसलों को भी जीवनदान मिला। आमजन को भी गर्मी से राहत मिली। बिलवाड़ा के गेहूली ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर आयोजित ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक में अव्यवस्थाओं का आलम रहा। सुविधाओं से वंचित खिलाड़ियों को स्वयं के स्तर पर बाहरी लोगों की सहायता लेनी पड़ी। कबड्डी मैच के दौरान बालापुरा निवासी छात्रा को चोट लगी, लेकिन चिकित्सक नहीं होने के चलते ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। 22 अगस्त को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सुबह 11 बजे पहुंचेंगे सैनिक स्कूल। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हेलीकॉप्टर 11 बजे होगा लैंड। सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुधेश धनखड़ भी रहेंगे साथ। बांसवाड़ा शहर के नवा महादेव मंदिर, सारणेश्वर जी शिवालय सहित शिव मंदिरों में 16 सोमवार मनसा महादेव व्रत करने वाली महिलाओं युवतियों का तांता लगा रहा, जिन्होंने शिव मंदिर में भगवान शिव जी का अभिषेक और पूजन किया, फिर कथा का श्रवण भी किया। घाटोल में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत एक दिन में 201 मोबाइल लाभार्थियों को वितरित किए और जिले में सर्वाधिक मोबाइल वितरण कर पहला स्थान हासिल किया। घाटोल की टीम के कार्य को जिला कलेक्टर ने सराहना उनकी करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पुनाली गांव में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए घर से 20,000 रुपए की नकदी, हजारों की चांदी के आभूषण और अन्य सामान चुरा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डूंगरपुर शहर के मुरला गणेश मंदिर में हुई चोरी की वारदात। चोरों ने मंदिर की दान पेटी के ताले तोड़कर करीब 20,000 रुपए पार कर लिए। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। वारदात का खुलासा करने की सभी कर रहे मांग। टपुकड़ा में कृषि श्रमिक संबल मिशन योजना के तहत कृषि श्रमिकों के कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत मसीद मिठियावास और मिलकपुर तुर्क की 30 भूमिहीन महिला श्रमिकों ने हिस्सा लिया, जिन्हें कृषि यंत्रों के संचालन की जानकारी दी गई। खरीफ की फसलों में कीट और बीमारियों के नियंत्रण की जानकारी भी दी गई। आसपालसर गांव में सरपंच पद के लिए उपचुनाव हो रहा है। 4 बूथों पर 2 प्रत्याशियों के लिए मतदाता उत्साह के साथ वोट करते नजर आए। बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रही। प्रशासन की ओर से मतदाताओं के लिए छांव की व्यवस्था नहीं थी और ऐसे में परेशानी में धूप में लाइन में लगकर मतदाताओं ने वोट डाला।
सीकर शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। चोर शहर के मुख्य मार्गों पर पुलिस की गश्त को धता बताते हुए चोरी की वारदातें करने से नहीं चूक रहे। शहर के जयपुर रोड पर बाइक शोरूम से दो स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल पार कर ये चोर ले गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जैतसर उप तहसील को श्रीगंगानगर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर 10 दिनों से ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। सौरान संघर्ष समिति ने सीएस उषा शर्मा और राजस्व विभाग की एसीएस अपर्णा अरोड़ा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों अधिकारियों को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। परबतसर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की ओर से चलाए गए विशेष अभियान के तहत ग्राम उचेरिया में नकली शराब बनाने का सामान जब्त किया। झाड़ियों के बीच छिपाकर रखी थी 220 लीटर स्प्रेट, 1000 नकली ढक्कन, 825 खाली देसी पव्वे और लेबल जब्त किए। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस कर रही है पड़ताल। डिगाना शहर के मुख्य बाजार में हुई चोरी के खुलासे की मांग को लेकर व्यापारी बाजार में बैठ गए। रास्ते को जाम कर चोरी के खुलासे की मांग की तो वहीं पुलिस ने दो दिन का समय मांगा और वारदात के खुलासे का आश्वासन दिया। झालावाड़ के आंगनबाड़ी सेक्टर असनावर में 3 दिवसीय ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। ओलंपिक में असनावर सेक्टर के 3 से 6 साल के 70 बच्चों ने भाग लिया। समापन समारोह में महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि खेलों के माध्यम से बच्चों का बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। चित्तौड़गढ़ में चोरों ने लाखों रुपए का माल किया पार। गांव डगला खेड़ा में चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। एक ही रात में चोरों ने 5 घरों को बनाया निशाना। लाखों की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर किया हादसा। पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर प्रतापगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राजीव गांधी पार्क में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जन्म जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। धौलपुर में चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन हुआ जिसमें लोगों का स्वास्थ्य जांच कर उचित परामर्श दिए गए। शिविर में 400 से अधिक रोगियों ने अपना पंजीयन करवाया। जेएनयू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जयपुर और रोटरी क्लब धौलपुर की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार जिससे चोरी की बाइक को बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। आरोपी पहले रैकी किया करता था और फिर मास्टर चाबी से ताला तोड़कर वारदात को अंजाम देता था। कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम में स्वर्ण पदक प्राप्त कर जैतसर पहुंच रहे रामदेव शाके का ग्रामीणों की ओर से रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। तो वहीं रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में खेल प्रेमी और ग्रामीण उपस्थित रहे। जैतसर पहुंचने पर उनका माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। मीरता उपखंड अधिकारी पूरन कुमार सेन को दी गई विदाई। पालिका सभागार में विदाई समारोह का आयोजन, माला और साफा पहनाकर मीराबाई की तस्वीर भेंट की गई। तो वहीं नवनियुक्त पुलिस उप अधीक्षक नूर मोहम्मद और थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा का किया अभिनंदन। 12वीं भाजपा ने विशेष सदस्यता अभियान की 12वीं शुरुआत की। कोटा रोड स्थित सांसद कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी और तमाम भाजपा नेताओं ने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बूथ सर्च के प्रत्येक कार्यकर्ता को भाजपा के सदस्यता अभियान में जुटना होगा। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 100 नए मतदाताओं को जोड़ना लक्ष्य है। डूंगरपुर के पुनाली में अघोषित बिजली कटौती का विरोध। ग्रामीणों ने डूंगरपुर आसपुर मार्ग पर दिया धरना। 1 घंटे तक लगा जाम। एएन की कार्यशैली पर ग्रामीण आए नाराज नजर। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।